नगर निगम और नगर पंचायत को लेकर अधिसूचना जारी होने के बाद कटिहार में जिलाधिकारी उदयन मिश्रा ने प्रेस वार्ता करते हुए चुनाव संबंधित सारी जानकारी साझा की। प्रेस वार्ता के दौरान जिलाधिकारी उदयन मिश्रा ने चुनाव से संबंधित जानकारी देते हुए कहा कि दो चरण में चुनाव संपन्न होना है। प्रथम चरण के लिए 5 पंचायत कोढ़ा, मनिहारी, अहमदाबाद, कुर्सेला और बारसोई, जबकि द्वितीय चरण में नगर निगम कटिहार, नगर पंचायत बरारी और बलरामपुर में निर्वाचन निर्धारित है। जिलाधिकारी ने कहा कि फिलहाल आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है और सभी विषय पर प्रशासन गहराई से नजर रख रहे हैं। तो बच्चे, हाँ, वो तो पूर्व से ही लागू है, वो पूर्व से ही लागू है कि जिनका भी दो से अधिक जिनके संतान हैं वो इस इलेक्शंस में भाग नहीं ले सकते हैं। अधिकतम व्यय की राशि जो फिक्स की गई है निर्वाचन व्यय लेखा के अनुसार, उसमें पार्षद जो है नगर पंचायत के लिए 20,000, नगर परिषद के लिए 40,000, नगर निगम जहाँ की मतदाता 4,000 से 10,000 के बीच में वहाँ के लिए 60,000, और नगर निगम जहाँ मतदाता 10,000 से 20,000 के बीच में है वहाँ के लिए अधिकतम व्यय की सीमा 80,000 है। उपमेयर के लिए कितनी राशि? उपमेयर का होगा वही होगा, ये जो नगर निगम के लिए जो 80,000 होगा मेरे ख्याल से, या मुख्य पार्षद के लिए वार्ड वार निर्धारित राशि, वार्ड की कुल संख्या इंटू टू, क्या है ये 90, इसकी विस्तृत जानकारी लेकर के आप लोगों को दे दी जाएगी। एक बार कंफर्म करा लीजिए कि वार्ड पार्षद के अतिरिक्त जो मेयर है उसके लिए क्या अधिकतम सीमा होगी। इसके लिए भी हमारा कोषांग गठित है और जिसमें 3 बार उन लोग को अपना व्यय लेखा की जांच करवानी है, और वो भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि जो राशि निर्धारित की गई उससे अधिक राशि का व्यय ना हो। सर, 2 बच्चे और 3 बच्चे का जो मामला है कि कौन लड़ेंगे और कौन पूरा क्लियर, क्या पूरा है इसमें, मैं क्या है बताइए। 2008 के बाद अगर कि न्यू को दो कानूनी सन न्यूज़ के लिए कटिहार से संवाददाता इकबाल की खास रिपोर्ट।